अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल सवाल जवाब में। अब मेरे दोस्त एक और अजीब बात आपको सुनाओ, एक बहुत अजीब बात आपको सुनाओ। एक साहबी का नाम आपने सुना होगा, हजरत जाबिर। कौन हजरत? अरे सुना नहीं सुना हजरत? 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे। कितने? 1500। 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे, लेकिन हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु सफर तो कर रहे, 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे, लेकिन जो उठनी पर बैठे वो उठनी बिल्कुल दुबली, बिल्कुल पतली, बिल्कुल मरने के करीब। अब होता क्या, 1500 साहबा, अब सारे साहबा सफर में आगे और हजरत जाबिर भाई पीछे होना ही था। इसलिए सारे साहबा के पास घोड़े हैं, ऊंट है और जवान ऊंट है, और इनके पास जो उठनी है वो बूढ़ी है और मरी मराई है और बिल्कुल दुबली पतली है। तो होता क्या, अब सारे साहब आगे और इतना आगे कि कुछ नजर भी ना आवे, हजरत जाबिर परेशान, कोई नजर नहीं आता। लेकिन हजरत जाबिर फरमाते, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, साहब आगे चले जाते। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ऐलान करते, आई ना जाबिर, जाबिर कहां? तो सब कहते वो तो बहुत उठनी उनकी बहुत दुबली है, वो बहुत पीछे आते। हमारे नबी फरमाते, ठहरो, जब तक जाबिर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हजरत जाबिर फरमाते, होता क्या, हजरत जाबिर कहते मैं धीरे धीरे जाता, अब सब लोग चिलचिलाती धूप में, भाई सब लोग चिलचिलाती धूप में, भूखे प्यासे। कहते हैं मेरे नबी तो कुछ नहीं फरमाते, रहमतुल आलमीन थे, मेरे नबी तो इतना कहते, आज जाबिर आ गए, चलो हम आगे बढ़े, बस इतना कहते, आ गए चलो हम। लेकिन कहते बाकी जितने थे ना, मुझे आंख निकाल निकाल के देखते थे, देखते थे, और उनमें से कुछ तो कहते थे, जाबिर क्या जरूरत थी आने की, जब अपने पास उठनी बराबर नहीं तो आने की जरूरत क्या, 1500 तो थे ना, एक के ना आने से कुछ फर्क पड़ जाता? अरे अपने घर पर बैठे होते, जब सवारी नहीं तो आने की जरूरत क्या। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते, 3 मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे नबी को इंतजार करना पड़ा और सहाबा ने घूर घूर कर मुझे देखा, लेकिन हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते, एक जगह ऐसी आई जहां हमारे नबी ने ऐलान कर दिया कि खाना यही होगा, नमाज भी यही होगी और आराम भी यहीं पर होगा, हमारे नबी ने ऐलान किया। हजरत जाबिर फरमाते, धीरे 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 जब मैं वहां पर आया, मुझे लोगों ने बताया नमाज भी यहीं पढ़ना, खाना भी यहीं पर खाना और आराम भी यहीं पर करना। हजरत जाबिर फरमाते, मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे खाना नहीं है, मुझे खाना भी नहीं, मैं नमाज मेरी अकेले पढ़ लूंगा, आप मुझे इजाजत दो मैं आगे चला जाऊं ताकि मेरी ये दुबली पतली उठनी चलती रहेगी, चलती, और हम मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आप लोग आओगे तो मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो हमारे नबी ने फरमाया, खाना? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो, नमाज भी मेरी अकेले पढ़ लूंगा। लेकिन आप इंतजार करते हैं, एक नबी इंतजार करे तो उम्मती को बर्दाश्त नहीं होता, भाई बर्दाश्त होगा उम्मती को, नबी को तक? आप धूप में खड़े रहते, ये 1400-1500 साहबा धूप में खड़े रहते और मेरे अकेले की वजह से खड़े रहते, अरे मैं अपना खाना भी कर लूंगा, मैं अपनी नमाज भी पढ़ लूंगा, मैं अपना आराम भी कर लूंगा, मुझे जाने दो। हमारे आका रहमतुल आलमीन ने फरमाया, जाबिर उठनी बांधो। गए उठनी बांधे, इधर आओ, आए कहा बैठो, और कहा जब तक तू नहीं खाएगा आज मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्तों क्या मोहब्बत होगी, अल्लाह हो अकबर। मेरे दोस्तों हमारे नबी कैसी मोहब्बत करते थे, और आज हम लोग आपस में हमारे नबी की मोहब्बत तो देखो। हजरत जाबिर फरमाते, अब खाने का मामला आ गया और नबी ने क्या फरमाया, तू नहीं खाएगा तो मैं भी। हजरत जाबिर बैठ गए, खाना लगा, हजरत जाबिर थोड़ा थोड़ा खाए, भाई सामने नबी बैठे हो तो कोई धड़ाधड़ थोड़ी खाएगा। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, जाबिर खा ले, जब तक तेरा पेट नहीं भरेगा मैं उठने वाला नहीं। हजरत जाबिर फरमाते, मैंने खाना खाया, फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल खाना खा लिया, अपनी नमाज पढ़ूंगा, मुझे आगे तो जाने दो। हमारे नबी ने फरमाया, ना जाबिर अभी आसान होगी, और जहां मैं नमाज पढ़ाऊंगा तू बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा रहेगा। अब नमाज भी हो गई, अब तो आराम करने का वक्त आया, भाई कैलूला आराम करने का वक्त आया। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे दो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग आराम करो। हमारे नबी ने फरमाया, ना जो चादर मेरे वास्ते बिछी है उसी चादर पर तू भी आराम करेगा। हजरत जाबिर फरमाते, सुनो हजरत जाबिर फरमाते, नबी की चादर बिछी हुई थी लेकिन मेरे अंदर क्या हिम्मत कि मैं नबी की चादर पर आराम करूं। तो हजरत जाबिर थोड़े रेत पर सो गए, किस पर सो गए, रेत पर सो गए। हमारे नबी ने फरमाया, जाबिर आगे आओ, कपड़ा है, चादर है, इस पर आराम करो। हजरत जाबिर फरमाते, जब मैं वो चादर पर गया तो हैरान हो गया, अरे बिछी है जमीन पर और चमकती है आसमान पर, बिछी है जमीन पर और चमकती है आसमान पर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, वो ऐसी चमकती थी कि मैंने मेरे प्यारे नबी को कहा वो तो आसमान पर चमकती। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, तू भी आ जा, तेरा भी तो चेहरा चमकेगा।
तेरा भी तो चेहरा चमकेगा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते भाई आराम भी हुआ, खाना भी हुआ, अब वक्त आया जाने का, तो हमारे नबी ने ऐलान किया इरहलो, चलो तैयारी करो, चलो तैयारी करो। हजरत जाबिर फरमाते अब तो नबी तो चले अपनी उठने की तरफ, मैं चला अपनी उठने की तरफ, लेकिन हजरत जाबिर फरमाते दिल में सोचता था अब मालूम नहीं कितने लोगों की गालियां खाना और कितना घूर घूर के देखना। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु कहते मैंने रस्सी खोला और उस उठनी के ऊपर बैठा, अभी बैठा जाता था पीछे से मेरे नबी ने आवाज दी, जाबिर हे जाबिर ये उठनी मुझको बेचेगा, ये उठनी मुझको, अरे कहो ना मुझको। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बेचू, ये मंजिल तक जाएगी कि नहीं जाएगी वो भी नहीं मालूम, कभी इसकी विकेट गिर जावे, अरे ये मंजिल तक पहुंचे, ये उठनी तो बिल्कुल दुबली पतली बूढ़ी से तो बिल्कुल मरी मराई उठनी। अल्लाह के रसूल ने फरमा इससे मुझे कोई मतलब नहीं बेचेगा। हजरत जाबिर ने कहा आप कहो तो बेचूंगा, लेकिन बेच दूंगा तो मैं चलता चलता आऊंगा भाई, जब एक तो बूढ़ी उठनी का सहारा है वो भी। अल्लाह के रसूल ने फरमा अभी बेच दे मंजिल पे सौदा पूरा, अभी बेच दे सौदा इधर कर ले, वे वहां कब्जा मैं कर लूंगा, उठनी तुझसे ले लूंगा। तो हजरत जाबिर ने कहा उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं बेचूं कैसे, इसकी क्या कीमत। हमारे नबी ने कहा 40 औकिया चांदी मैं देने वाला हूं, 40 औकिया चांदी यानी चांदी का ढेर मैं देने वाला। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल मंजूर है, कौन मंजूर नहीं करेगा, अरे कोई मंजूर नहीं, अल्लाह के रसूल मंजूर है। हमारे नबी ने फरमाया लाओ उठनी, लाओ उठनी, लाओ मेरे पास। हजरत जाबिर वो उठनी को लेकर आए, उतर गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उठनी के सर से लेकर उसकी पीठ तक फेरा और कहा इरकब अलैहि ए जाबिर, अब सवार हो जा, अब सवार हो जा। हजरत जाबिर कहते क्या करता, बूढ़ी सड़ी और ऐसी मरी मराई उठनी, बैठ गया। और हजरत जाबिर कहते इतने में तो मेरे नबी भी उठनी पर बैठे और मेरे नबी भी आगे आगे चले। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, दस कदम, धीरे धीरे उठनी चली, आगे लोग जा रहे। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने यूं लगाम थोड़ा ढीली किया, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर फरमाते जो उठनी ने दौड़ना शुरू किया, मेरी उठनी ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी कि सारे सारी उठनियों को पीछे कर दिया, यहां तक के मेरे नबी की उठनी को भी पीछे कर दिया। और मैं कहता ताज्जुब मत करो, नबी की उठनी पीछे नहीं हुई, वो भी तो नबी की उठनी थी, अरे वो भी तो नबी की उठनी थी, बस वो उठनी दौड़ी 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 आगे चली गई। हजरत जाबिर कहते समझ में ना आवे उठनी पे बैठा के घोड़े पर बैठा, और हजरत जाबिर कहते वो उठनी गई इतनी आगे कि मुझे पीछे कोई नजर नहीं आवे। तो हजरत जाबिर कहते मैं भी उठनी लेकर खड़ा हो गया। जब सब लोग आए तो मैंने कहा तुम्हारी उठनी में कोई पावर नहीं भाई, कहते मैंने भी आंख निकाल निकाल कर तिलका भी तिलका, उन्होंने भी आंख निकाली थी ना, मैंने कहा ये कोई उठनी है, अरे उठनी तो जाबिर की है, जाबिर की, कि पता न चले कि उठनी पर बैठा के घोड़े पर बैठा। हजरत जाबिर फरमाते फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, फिर मैंने लोगों को सुनाया। हजरत जाबिर कहते हैं अब मेरी उठनी तो ऐसी धूमधाम धड़ाके से चले। हजरत जाबिर कहते मैंने दिल में ख्याल किया इतनी अच्छी उठनी अब बेचूंगा नहीं, सौदा कैंसल, उठनी बेचूंगा। फिर ख्याल आया कि करूं क्या करूं, ये उठनी को सौदा कैंसिल करना कोई आसान काम तो है नहीं, कैसे करूं। तो हजरत जाबिर कहते जब मैं मंजिल पर पहुंच गया, अव्वलु मन वसल, कहते सबसे पहले मैं मंजिल पर पहुंचा, कहते जैसे मैं मंजिल पर पहुंचा मैं देखने लगा, अंदाजा लगाया कि मेरे नबी कहां आराम करेंगे, वो सायेदार दरख्त थे वहां उसके नीचे मेरे नबी आराम करेंगे। हजरत जाबिर कहते वो सायेदार दरख्त के बिल्कुल ऑपोजिट में गया, बिल्कुल ऑपोजिट में गया और एक दरख्त के साथ मैंने उठनी को बांधा और उठनी को बांधा और इंतजार करने लगा अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। कहते थोड़ी देर में पूरा काफला आया, हजरत जाबिर फरमाते वजू किया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर, दो रकात शुक्राने की, क्यों इसलिए नमाज पढ़ूंगा तो कोई थोड़ी मुझे पूछेगा भाई नमाज में। और कहते मैंने देखा, हाँ कहते नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा सब लोग कोई इधर उठनी बांध रहा कोई उधर उठनी बांध रहा। हजरत जाबिर कहते सब लोग बिजी हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए। हजरत जाबिर कहते मैं ये सोच रहा था कि सब बिजी हो गए, ऑल आर बिजी, अब कोई टेंशन नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे। हजरत जाबिर कहते किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, यूं मैं मुड़ा, फैदा हुआ बिलाल, कौन थे हजरत, अब बिलाल कह रहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, का जाबिर अल्लाह के रसूल उठनी के साथ बुला रहे हैं। अब हजरत जाबिर और बिलाल तो दोस्त थे ना, फ्रेंड। हजरत जाबिर ने कहा बिलाल इधर बैठ, पहले एक बात कर, ये उठनी मुझको बेचना नहीं है, ये उठनी मुझको बेचना। हजरत जाबिर बैठे थे खड़े, हजरत बिलाल बैठे थे खड़े हो गए, कहा अंतला तभी तू नहीं बेचेगा, अरे तू बेचेगा नहीं। हजरत जाबिर ने कहा ना ये उठनी इतनी बुढ़ापे में ऐसे जवान घोड़े की तरह दौड़े, इसको कोई बेचता है, हाँ कहना सौदा कैंसल। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला बैठे थे खड़े हो गए, कहा जाबिर जरा सोच तो सही, तू किसका सौदा कैंसिल करता, अरे तू नबी का सौदा कैंसिल करता, कहीं अल्लाह तेरे ईमान को कैंसिल ना कर दे, तू नबी का सौदा कैंसिल करता, नबी 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 से जो सौदा हुआ उसको कैंसिल करता। और हजरत बिलाल ने तो कह दिया ए जाबिर तेरा कोई कमाल नहीं, तेरे खानदान का भी कोई कमाल नहीं और तेरी उठनी का भी कोई कमाल नहीं, वो कमाल
मेरे नबी के मुबारक हाथ का था जिसने उठनी के मुकद्दर ही को बदल दिया। किसका कमाल था? मेरे नबी के मुबारक। अब सुनना, अदर जाबिर समझ गए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, नबी से सौदा कैंसिल करना तो बहुत बड़ा गुनाह। तो हजरत जाबिर ने क्या कहा, बिलाल देख गलती हो गई, लेकिन वहां जाके बोलना नहीं, वहां जाके बोलना, मैं चल रहा हूं। अब हजरत बिलाल आगे आगे, हजरत जाबिर पीछे पीछे उठनी को लेकर जा रहे। वो सामने दरख्त, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, हमारे नबी ने फरमाया आजा जाबिर, आजा जाबिर, आजा। जब हजरत जाबिर करीब, उठनी भी करीब, बिलाल भी करीब, हमारे नबी ने पूछा जाबिर बेचना चाहते हो ना, अतुरी दुअन तभी आनी, चाहते हो ना कि उठनी मुझे बेचे। तो हजरत जाबिर बिलाल को देखे कि ये कुछ बोले तो नहीं, तो यूं देखे तो बिलाल तो खा, हजरत जाबिर खा, अल्लाह के रसूल आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? अरे आप नबी है, आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? ये उठनी में बेचने को तैयार? कहा तैयार, कहा तैयार। कहा वहां बिलाल को क्या बोल रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल वहां बिलाल को मैं बोल रहा था आपको, वो मोबाइल का जमाना तो था ही नहीं कि मोबाइल कर दिया हो। हाँ हाँ, वहां उस वक्त लोहे का मोबाइल नहीं चलता, वहां जिब्राइल वाला मोबाइल चलता था। कहा अल्लाह के रसूल आपको, आपको पता? कहा जो आसमान की बातें बता सकता वो जाबिर के बदले हुए इरादे को नहीं बता सकता, जो नबी आसमान की बातें बताए वो जाबिर के बदले हुए इरादे को ना बताए। ए जाबिर तू बेचना नहीं चाहता ना, दिल से बता तू बेचना चाहता? अल्लाह के रसूल चाहता हूं और नहीं भी चाहता हूं। क्या फरमाया? चाहता हूं उरीद वाला उरीद, चाहता भी नहीं भी चाहता, नबी से सौदा कैंसिल नहीं कर सकता और दिल तो नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल पक्की। हमारे नबी ने फरमाया बिलाल कितने पर सौदा हुआ था? कहा 40 औकिया चांदी। हमारे नबी ने कहा जिद 50 औकिया चांदी दे दे और उठनी भी मेरी तरफ से वापस हदिया कर दे। नारे तकबीर मोहम्मद का दामन। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल, सुनना बहुत काम की बात है, ए बिलाल 50 औकिया चांदी भी दे दे, उठनी भी वापस कर दे। हजरत जाबिर खुशी के मारे फूले न समाए, उठनी भी ले लिया, 50 औकिया चांदी भी ले लिया, अपनी उठनी पर बैठे जाने लगे। हमारे नबी ने फरमाया जाबिर आधा सौदा करके जाता है, पूरा कारोबार करके जा। हजरत जाबिर सोचे ये वापस क्या मामला आया। हजरत जाबिर फिर आया, अल्लाह के रसूल क्या मामला हुआ? फरमाया दुनिया लेके जाता है, आखिरत नहीं लेकर जाएगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। का दुनिया लेकर जाता आखिरत नहीं लेकर जाएगा। हजरत जाबिर ने फरमाया आखिरत का क्या मतलब? कहा बैठ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ, सब लोग कहो अपना मुबारक हाथ जाबिर के सीने पर रखा और हमारे नबी ने 27 मरतबा फरमाया। कितनी मरतबा? 27 मरतबा हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मग़फिर जाबिरा। ए अल्लाह जाबिर की मगफिरत कर दे, जाबिर को माफ कर दे, अल्लाह जाबिर पर रहम कर दे। कितनी मरतबा? हाथ उठे हुए, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसू जारी है। जब 27 मरतबा हो गया, नबी ने मुबारक हाथ हटाया, हजरत जाबिर उठे, आंखों में आंसू थे लेकिन मेरे दोस्तों वो खुशी के आंसू थे। उठनी पर बैठे और कहा ए साहबा, ए 1500 साहबा, अगर मेरे नबी ने 1 मरतबा मेरे लिए माफी की दुआ मांगी होती, अल्लाह मुझको माफ कर देता। मेरे नबी ने 27 मरतबा माफी की दुआ मांगी है, अंदाजा लगाओ जाबिर की मगफिरत का क्या आलम होगा। एक बात आपको बताऊं, ये मस्जिद में, मस्जिद अभी मैं ये मस्जिद में था, मैंने ये अमल किया, आपको कहता हूं आप भी करो। मैंने अभी 2 दिन पहले हदीस पढ़ी, इसलिए मैं आपको कहता हूं कंजुल उम्माल एक हदीस की किताब, उसमें मैंने देखा अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू मस्जिद में जाए, कभी मस्जिद में कोई पत्थर, कोई कंकर, कोई कचरा भाई दिखता कि नहीं दिखता? हम क्या करते हैं? बांगी कहां है? बांगी साहब, बांगी साहब आइए, अंधा है ये दिखता नहीं? और मुतवल्ली सेक्रेटरी का तो दिमाग कहीं आसमान पर चला गया। मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने अभी किया इसलिए आपको कहता हूँ आप भी करो। जब मस्जिद में जाओ, कोई कचरा, कोई पत्थर, कोई कंकर ले लो, उठा लो, जेब में डाल दो। मैं जेब में डाल देंगे, बाहर जाके कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। लिखा है हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जब मस्जिद की थोड़ी भी सफाई करेगा, अल्लाह कहते तूने जन्नत की हूर का मेहर अदा कर दिया। भाई जन्नत में जो हूर मिलेगी ना, तो मेहर दे दिया, यानी मतलब है कि तूने पत्थर उठाया जेब में रखा, मतलब तू जन्नती हो गया। जब वो मेहर अदा कर दिया तो हूर तो मिलेगी, अगर मिलेगी हूर कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी कि जन्नत में?
तो जन्नती भी हो गया। एक पत्थर क्या मस्जिद से हटा दिया, एक कचरा क्या हटा दिया, एक कंकर क्या हटा दिया कि जन्नत की हूर का मेहर अदा कर दिया, तू जन्नती हो गया। तो अरे अगर ये कार्ड ले लिया और 50 रुपया दे दिया, खिचड़ा लिया ना लिया, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मस्जिद के काम में थोड़ा भी हिस्सा ले लिया, अल्लाह जन्नत में उसका महल बना दे। एक सहाबी ने, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं मस्जिद कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, अल्लाह के रसूल खाने के लाले पड़े, मैं मस्जिद कैसे बनाऊंगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, वो ईंट उठा, एक ईंट पड़ी थी, कहा उठा, उठाया, कहा जा मस्जिद में ले जा, जा कहा फला जगह पे रख दे, वो सहाबी ने रखा, हमारे नबी ने फरमाया जा जन्नत में तेरा महल बन गया। तो मेरे दोस्तों ये कार्ड बहुत सस्ता है, बहुत, अरे इतनी सस्ते में इतना सस्ता और अच्छा सौदा कि एक कार्ड ले ले, 50 रुपया दे दे और जन्नत में अपना महल बना दे। मेरा तो जी चाहता था कि मैं किसी को कहता ही नहीं कि ये कार्ड लेकर खड़े रहो, मैं खुद यहाँ खड़ा हो जाता, और मैं कहता लाओ भाई 50 डालता जा कार्ड लेता जा, 50 डालता जा कार्ड लेता जा, लेकिन इतना थका हुआ हिम्मत नहीं, वरना मेरा तो जी चाहता था हाफिज आसिफ को कहता कोई क्यों करे चंदा, मैं करूंगा, इसलिए चंदा करना मेरे नबी का तरीका है। लेकिन ये तो चंदा कुछ अजीब है, खिचड़ा चंदा लिखा भी अच्छी चढ़ो भाई, जरा भी मेरे को इतना मत निचोड़ो ना, जुमा को आऊंगा आखिर में, जितना निचोड़ना है आखिर में पूरे कपड़े को निचोड़ देना ताकि कतरा भी न टपके, इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह नींबू निचोड़ देगा। अच्छा अब ये देखो ये 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 कार्ड है, ये बहुत प्यारा कार्ड है जो हमारे हमको तो जुनेद भाई ने पहुंचाया, किसी ने ये छपवाया कार्ड, जिन जिन्होंने भी छपाया हो अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। ये वो दरूद पाक है जो 3 लाइन में है, कितनी लाइन में, 3, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था ये तकसीम होगा, 3 लाइन पढ़ोगे 24 घंटे पढ़ने का सवाब मिलेगा, 3 लाइन पढ़ोगे 24 घंटे, कौन सी 3 लाइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद फी औसत कलामिना, اللهم صل على محمد في آخر كلامنا। कितनी लाइन पढ़ोगे सब लोग इंशाल्लाह, कार्ड कब तकसीम होगा वो भी बता दो ताकि सबको सुकून हो जाए भाई, एक बच्चे को और कोई ये बच्चा जी, हाँ हाँ भाई बताओ, कल जोहर की नमाज, ये कार्ड अभी तकसीम नहीं होगा इसलिए मजमा ज्यादा है, कार्ड कम है वो धक्कम फेल होगी, इसलिए कल जोहर की नमाज के बाद कहाँ पर, ये मस्जिद में हाफिज आसिफ साहब, ये मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद ये कार्ड तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहुंचोगे और लोगे, 3 जुमले पढ़ोगे 24 घंटा दरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा, बस तो करोगे ना इंशाल्लाह।